बड़ौदा ऑटो रिक्शा प्रगति यूनियन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें कोरोना समय में रिक्शा चालकों की आमदनी न के बराबर होने के चलते आर्थिक सहायता की मांग रिक्शा चालकों ने की है, जिसमें आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत 10,000 की आर्थिक सहायता देने रिक्शा चालकों ने मांग की, जबकि रिक्शा पासिंग प्रक्रिया की अवधि 1 साल बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे रिक्शा पासिंग प्रोसेस में होने वाले खर्च से रिक्शा चालक इन दिनों में अपना गुजरान चला सके। तात्कालिक सहायता 10,000 रुपया नहीं मिले आर्थिक रीते, अने रिक्शा पासिंग की जो अवधि है क्या ये 31 डिसेम्बर 2020 सुधी वधारी आपे, कारण कि रिक्शा बंद है, पासिंग करावा थी कोई मतलब नहीं, पासिंग ना जो पैसा है ये बचे तो रिक्शा चालक ने काम लगे, अने 10,000 सरकार जो तात्कालिक सहाय आपे क्या तो रिक्शा चालकों की परिस्थिति सुधरे अने कोई अजुकतु बनाव ना बने, समझा पानी पहला सरकार पाल बांधे क्या ये अमारी सरकार ने रजूआत छे, सरकार की हमें वधारे कई मांगनी करी नहीं तो खाली 10,000 रुपया हमने आपी दे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।